ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। महेंद्रनाथ, आंखें खोलो अपनी। भोलेनाथ, आप? मैं आपके दर्शन करके अति प्रसन्न हूँ। मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें भोलेनाथ। मच्छेंद्रनाथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें नाथ पंथ के लिए बहुत कार्य करना होगा। तुम्हें मैं योग विद्या का उपदेश देता हूँ और आगे तुम्हें योग विद्या का प्रचार करना होगा और तुम्हारे द्वारा दी गई भस्मी से मेरे अंश गोरखनाथ का जन्म होगा और जो आगे चलकर शिव अवतारी गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध व अमर होगा और नौनाथ धर्म का प्रचार करेंगे, साथ साथ लोगों के कष्ट दूर करते रहेंगे और वो अमर हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये क्या मैं सब कर पाऊंगा? भोलेनाथ, मेरी भक्ति कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम नगरी नगरी धर्म का प्रचार करते, कष्ट हरते, नाथ पंथ को आगे बढ़ाते रहो। इसी में सभी का कल्याण है। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। रमते जोगी बहते पानी कभी ठहरते नहीं, कभी ठहरते नहीं बंदे, कभी ठहरते नहीं। भगवान काशी नाम सदा ही, भगवान काशी नाम सदा ही रहता हृदय माही। बोलो अलख निरंजन। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। लो नाथ जी, भिक्षा ग्रहण कीजिए। माई, नाथों को भिक्षा उदासीपन में नहीं दी जाती, नाथों को भिक्षा खुश होकर देनी चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, नाथ कब कब आते हैं माई? अरे नाथ तो भगवान का रूप होते हैं माई। नहीं नहीं नाथ जी, ये आप लोगों को देखकर उदासी नहीं है, ये उदासी तो बहुत पुरानी है और इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। हे माई, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं होता? रहने दीजिए नाथ जी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा छेड़ने से वो फिर से हरे हो जाते हैं। माई, हमसे क्या शर्माना, क्या छुपाना, हमें बताइए माई, आपको क्या कष्ट है? शायद
हम आपकी कुछ सहायता कर सकें? योगी राज, वैसे तो प्रभु की कृपा से सब सही है, पर तो फिर कमी किस बात की है माई? जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो वो प्राणी तो भाग्यशाली होता है। योगी राज, कई वर्षों से हमारे कोई संतान नहीं है, अगर हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दें तो जीवन में कोई दुखी नहीं रहेगा, तो हमारे वंश की बेल फिर से चल पड़ेगी। माई, दुख सुख आते जाते रहते हैं, निराशा की चादर ओढ़कर आशा की किरण नहीं निकलती,
हे माई, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो निराशा की चादर ओढ़ना ठीक नहीं। महाराज, आप मेरी निराशा दूर कीजिए। मुझे एक संतान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे माई, तुम ये भभूत लो और सुनो, इस भभूत को तुम्हें सूर्य उदय से पहले लेना होगा। इससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ। आयुष्मान। गुरुजी, अब भोजन कर लीजिए। हे माई, हम आज भोजन नहीं करेंगे, हम जाएंगे। 12 वर्ष के बाद जब हम वापिस आएंगे तब तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देकर ही भोजन करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, आज अपने घर साधु महाराज आए थे। उन्होंने मुझे ये भस्मी देकर कहा, बेटी इसे सूर्य उदय होने से पहले ग्रहण कर लेना। उन्होंने कहा तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। अरे मूर्ख, तू साधु नहीं किसी तांत्रिक ढोंगी के चक्कर में पड़ गई है। इस भभूति को अभी बाहर फेंक दिया। देख ना ले, कहाँ छुपाऊं मैं? हाँ, ये ठीक है। यहाँ कोई नहीं देखेगा। इसे मैं गोबर में छुपा देती हूँ। जब ये चले जाएंगे फिर निकाल के मैं खा लूंगी।
आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। महाराज, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। आपको क्या भिक्षा चाहिए? माई, आज हम भिक्षा लेने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारा 12 साल पूर्व दिया वचन पूरा करो। महाराज, मैं आपका मतलब समझी नहीं, कृपा करके साफ साफ कहिए, आपको क्या चाहिए? माई, बहाने मत बनाओ। हमने जो 12 साल पहले तुम्हें आशीर्वाद के रूप में जो बबूत दी थी, हम उस बच्चे का दर्शन करने के लिए आए हैं। महाराज, ये घर तो आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के बाद भी फला फूला नहीं। मैं तो कितनी अभागन हूँ महाराज। क्यों, क्या हुआ माई? महाराज, मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए वो भभूत खाई नहीं। घोर अन्याय, घोर अन्याय किया है तूने माई। चलो बताओ, कहां पे है वो भस्म? महाराज, वो भभूति मैंने एक गोबर के ढेर में छुपा दी थी। सोचा पति देव के जाते ही उसे मैं खा लूंगी, पर वो मुझे मिली नहीं, ना जाने वो कहां चली गई। चलो माई, बताओ कहां छुपाई है तुमने? चलिए महाराज। यहाँ छुपाई थी महाराज। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो। जय जय गोरखनाथ, जय जय गोरखनाथ, जय जय गोरखनाथ, जय जय गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं कौन हूँ? तुम बच्चा शिव के अवतार हो। मेरा नाम क्या है गुरुजी? मैं तुम्हारा नाम आज शिव अवतारी गोरखनाथ रखता हूँ। तुम्हें आगे चल के जन कल्याण के कार्य करने हैं और उसके साथ इस नाथ पंथ का नाम आगे बढ़ाना है। जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त करनी है। चलो गोरख। गोरख, हमें छोड़ के मत जाइए, हम तुम्हारी माँ है बेटा, मत जाइए। कौन सी माँ? मेरी माता है, जिसने मुझे 12 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। गुरुजी,
गुरु जी मुझ पर दया कीजिए, गुरु जी दया कीजिए, हे भोलेनाथ, मैं कैसी अभागिन हूँ जो तुम्हारे दिए हुए प्रसाद को भी ना समझ सकी और आज भी बांझ की बांझे रह गई। हे माई, अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं, यह तो समय की बात है। समय निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आता माई। हे गुरु जी, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो जी, अब हमें इस मोह माया से दूर चलना चाहिए। चलो गोरख। नहीं गुरु जी, मेरे पुत्र को मत ले जाइए। बेटा खोके सरस्वती के, बेटा खोके सरस्वती के, बरसे ऐसे नैन के जैसे नदियों में बाण आ गई। बेटा खोके सरस्वती के, बरसे ऐसे नैन के जैसे नदियों में बाण आ गई, नदियों में बाण। पछतावे की आग में जल के मन होया बेचैन के जैसे नदियों में बाण आ गई। बेटा खोके सरस्वती के, बेटा खोके सरस्वती के, बरसे ऐसे नैन के जैसे नदियों में बाण आ गई, नदियों में बाण। खोने वाले को कैसे आएगा चैन के जैसे नदियों में बाण आ गई। बेटा खोके सरस्वती के, बेटा खोके सरस्वती के, बरसे ऐसे नैन के जैसे नदियों में बाण आ गई, नदियों में बाण।
संसार क्या है? बेटा गोरख, यह संसार एक परमात्मा की रचना है, इसे मृत्युलोक कहा जाता है। गोरख, जो जीव यहाँ मैथुनी विधि से जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भगवान के अंश अथवा उसकी ज्योति से जुड़े होते हैं, वो कभी मरते नहीं। गोरख, हे गुरुदेव, ये दुख सुख, दिन रात, धूप छाया, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, ये सब क्यों है? शिष्य गोरख, जी गुरुदेव, भगवान ने सृष्टि को संतुलन रखने के लिए ही यह सब बनाया है। बेटा गोरख, अगर दिन ही रहे और रात नहीं हो तो यह सृष्टि खतरे में पड़ सकती है। गोरख, इसी प्रकार सदा दुखी ही दुख रहे तो जीवन का आनंद ही खत्म हो सकता है। जिस प्रकार चांद और सूरज सृष्टि के लिए दोनों जरूरी हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी सृष्टि के लिए जरूरी है। हे गुरुदेव, ये भगवान क्या होता है और कहाँ होता है? बेटा गोरख, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं तुम्हें इसको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सुनो, भय से ये भूमि यानी कि सारा जगत, गय से गगन यानी ये आकाश, वैसे वायु जिससे जीव सांस लेता है बेटा, वह के आगे आ की मात्रा यानी कि अग्नि जिससे ये सारा जगत गुजारा करता है, न से नीर यानी जल जिसको पी करके सारा संसार जिंदा रहता है। बेटा गोरख, जी गुरुदेव, यह भगवान पांच तत्वों का मेल है, इन पांच तत्वों से ही इंसान का जीवन बनता है। गुरुदेव, ये तत्व ज्ञान क्या होता है? पहले कौन से तत्वों का निर्माण किया गया था? शिष्य गोरख, पहले आकाश तत्व बनाया गया था और इस आकाश तत्व के बाद में पवन तत्व का निर्माण किया गया और तीसरे नंबर पे अग्नि तत्व अस्तित्व में आया था। जी गुरुदेव। अग्नि तत्व के पश्चात बेटा जल की रचना की गई और अंत में यह पृथ्वी तत्व भगवान की देन है। बेटा, इसी पृथ्वी पर संसार की गतिविधियां चलती हैं। बेटा, हे गुरुदेव, मन को चंचल कहते हैं, लेकिन इस चंचल मन को वश में कैसे किया जाता है? बेटा गोरख, मन को केवल ध्यान से ही वश में किया जा सकता है और इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। हे गुरुदेव, मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहिए? बेटा गोरख, तुम्हारे द्वारा की जाने वाली सेवा ही मेरी गुरु दक्षिणा है। गोरख, मुझे बहुत भूख लगी है, नगरी से मेरे लिए कुछ भिक्षा लेके आओ। क्यों नहीं गुरुजी, लाइए झोली चिमटा, मैं अभी जाता हूँ। यह लो बेटा झोली और चिमटा। बेटा गोरख, नाथ कभी एक घर से भिक्षा नहीं लेता, अपितु थोड़ी थोड़ी कई घरों से भिक्षा लेता है। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आयुष्मान भव। साधु खड़े तेरे द्वारे, हमको भिक्षा दे दो भाई। बोलो अलख निरंजन, लाख निरंजन, अलख निरंजन। साधु रूप राम का होते, घर घर अलख जगाए। बोलो अलख निरंजन भाई, अलख निरंजन। हाँ बोलो अलख निरंजन भाई, अलख निरंजन। बोलो अलख निरंजन भाई, अलख निरंजन। रमते जोगी बहते पानी, कभी ठहरते नाही,
कभी ठहरते नाही बंदे कभी ठहरते नाही। भगवान काशी नाम सदा ही भगवान काशी नाम सदा ही रहता हृदय माही। बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन हाँ बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन ओ बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन। नगरी नगरी द्वारे द्वारे करते यही पुकार करते यही पुकार बंदे करते यही पुकार। कहीं से आटा कहीं से रोटी कहीं से आटा कहीं से रोटी से होता सत्कार। बोलो अलख निरंजन रे भाई अलख निरंजन बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन रे बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन। अलख निरंजन अलख निरंजन। थोड़ी थोड़ी कई घरों से लेते भिक्षा ले हम लेते भिक्षा ले रे बंदे लेते भिक्षा ले। भला सभी का चाहते हम तो भला सभी का चाहते हम तो दया कोई न दे। बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन हाँ बोलो अलख निरंजन भाई अलख निरंजन। साधु संतों की कृपा से तर जाता संसार तर जाता संसार ये सुन लो तर जाता संसार। चिड़िया रहन बसेरा जग में चिड़िया रहन बसेरा जग में कमल सिंह ये सा। लीजिए गुरु जी मैं भिक्षा ले आया आप अपनी भूख शांत कीजिए पूरा कर मंडल भर के लाया हूँ। लाओ बेटा आज कुछ भूख बहुत ही ज्यादा लगी है देखूं तो क्या लाए हो भिक्षा में। ओघरनाथ आप भी ले लो। वाह भाई वाह क्या बात कहां से मिला इतना स्वादिष्ट भोजन। इस भोजन की तो बात ही कुछ और है। गुरुदेव एक माई के घर में शादी विवाह जैसा कोई समारोह था उसने ही कृपा करके पकवान पकोड़े दही बड़े ना जाने क्या क्या डाल दिया। वाह बेटा गोरख वैसे तो सारा ही भोजन बहुत स्वादिष्ट था लेकिन ये दही बड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। जी चाहता है और भी खा लूं बेटा गोरख। तो गुरुजी और भिक्षा लेने जाऊं क्या। जरूर जाओ बेटे ज्यादा कुछ मत लाना थोड़े से दही बड़े लेके आना तेरे लिए भोजन यहाँ बहुत रखा है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। यह लो गोरख जल्दी जाओ।
अलाक निरंजन अलाक निरंजन अलाक निरंजन। अरे तुम अभी तो भिक्षा लेकर गए थे, फिर क्यों आ गए? हे माता, मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा है, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। आपने जो सामग्री मुझे भिक्षा में दी थी उनमें से दही बड़े मेरे गुरुजी को बहुत पसंद आए, इसलिए उन्होंने कहा जरा से और ले आओ। अच्छा, गुरु का बहाना बनाकर खुद का पेट भर रहे हो? हे माता, मैं नाथ पंथ का योगी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, आप मेरा यकीन कीजिए, यह दही बड़े मेरे गुरुजी ने ही मंगवाए हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे जैसे साधु बाबा भेष बदलकर जनता को ठगते फिरते हैं। मैंने बहुत सी उम्र गुजार दी है मगर भलाई करने वाला साधु कभी नहीं देखा। हे माता, आप तो कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो रही हैं। पहले आप मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए दही बड़े दे दो, फिर मैं आपकी हर समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हूँ। तेरे पास अपने पेट भरने के लिए तो कुछ है नहीं, मेरी समस्या का क्या हल करोगे? माते, आप आजमा कर तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसे ही सिद्ध महात्मा हो तो दही बड़े के बदले अपनी आँख निकाल के दे दीजिए। माता, ये भी क्या मांगा, आँख क्या बड़ी चीज है, मैं अपने गुरु के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप दही बड़ा लाइए, मैं अपनी आँख निकालता हूँ। बढ़ाना है नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है। जय जय गोरखनाथ। क्यों माई, आपको आँख चाहिए थी, ले लो, अब आप मेरे गुरुजी के लिए दही बड़े दे दो। नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है, नाथ पंथ का नाम तुम्हें बढ़ाना है। लो गुरुजी, दही बड़ा खा लो, लेकिन मिला तो एक ही। ये तेरी आँख को क्या हो गया? अरे खून कैसे आ रहा है? कुछ नहीं गुरुजी, ये तो आँख में दर्द है। मैं भी तो देखूं, अभी तक तो ठीक थी, ये अचानक क्या हो गया? गुरुदेव, अब आपसे भी क्या छुपाना, जिस घर से पहले दही बड़े लाया था उसी घर में भिक्षा मांगने पर वह माई नाराज हो गई और मुझे कुछ कुछ कहने लगी। मेरा विश्वास ना करते हुए मुझे पेटू बताकर कहने लगी कि दही बड़े के बदले में अपनी आँख निकाल कर दे दो तो दही बड़ा दे दूंगी। मैंने अपनी आँख हथेली पर रखी। तुमने ठीक नहीं किया गोरख। गुरुदेव, इसमें उस माई का कोई दोष नहीं है, उसने तो सोचा कोई साधु के भेष में कोई ढोंगी फिर रहा होगा, आप उसे माफ कर दे। जब तुमने ही माफ कर दिया बेटा गोरख, तो फिर मैं नाराज क्यों होऊंगा? अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है गोरख कि तू आगे चलकर एक दिन अपने गुरु का नाम रोशन करेगा। आओ बेटा गोरख, हम मंत्र विद्या से तुम्हारी आँख ठीक कर देते हैं। चलो बेटा गोरख, अब हम बद्रीनाथ धाम की ओर चलते हैं और तुम्हारे लिए सर्व विद्याएं जानना जरूरी है बेटा, और उसके लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना भी जरूरी है।
बढ़ाना है, नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है। कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है। नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है। कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है। सभी तरह की विद्याएं शिव के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी है, हाँ शिव के बिना अधूरी है। सब नाथों के नाथ हैं भोले, उनकी कृपा जरूरी है। सभी तरह की विद्याएं शिव के बिना अधूरी है। इसी काम के लिए हमें अब बद्रीनाथ को जाना है। कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है। नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है। कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है। नैया नहीं भंवर में रहती, बन जाती हर बात सदा, बन जाती हर बात सदा, हाँ बन जाती हर बात सदा। जिन भक्तों के सर पे होता भोलेनाथ का हाथ सदा, नैया नहीं भंवर में रहती, बन जाती हर बात सदा। ओम नमः शिव मंत्र को जप के आदि देव रिझाना है। कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है। नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है। कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है। शंभू के श्री चरणों से जिनका नाता जुड़ जाता, फिर भक्ति के मार्ग पर वो नाथ कभी नहीं घबराता, नाथ कभी नहीं घबराता, नाथ कभी नहीं घबराता।
शिव शंभु के श्री चरणों से जिनका नाता जुड़ जाता, फिर भक्ति के मार्ग पर वो नाथ कभी नहीं घबराता। खुद शिव अवतारी है तू गोरख, सभी तरह से स्याना है, कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है। नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है, कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है। पवित्र धरा वहां की शिव भक्ति का भाव जगा, शिव भक्ति का भाव जगा, तू शिव भक्ति का भाव जगा। देख सामने चंद्रागिरी ग्राम दिखाई देने लगा, पाक पवित्र धरा वहां की शिव भक्ति का भाव जगा। यही समाधि लगा के अपने मन का कमल खिलाना है, कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है। नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है, कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना। शिष्य गोरख, अब हम आ गए बद्रीनाथ की पावन धरा पर, आओ इस पेड़ के नीचे धुना लगा लेते हैं। ठीक है गुरुदेव। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बेटा गोरख। जी गुरुदेव। अब मैं तुम्हें यहाँ पर चारों वेद, छह शास्त्र और 18 पुराण और सामर विद्या का ज्ञान दूंगा बेटा, और साथ साथ भूत प्रेत वेताल को सामर विद्या से वश में करना सिखाऊंगा बेटे। और इसके अलावा बेटा, मैं तुम्हें देवी देवताओं के दर्शन करने की विधि का भी ज्ञान दूंगा, और साथ साथ रिद्धि सिद्धि के स्वामी बनने का मंत्र भी सिद्ध करना है बेटा। जी गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। नाथों की महिमा अपरंपार होती है बेटा, नाथों की माया को कोई भाग्यशाली ही समझ सकता है। इनके चमत्कारों को देखकर ऋषि मुनि तो क्या देवता भी समझ नहीं पाते। सच्चे नाथ अपने माता पिता की तरह भक्तों पर भी कृपा करते हैं और प्राणियों से दूर दूर ही रहते हैं, जिससे उनकी साधनाओं पर विघ्न ना पड़े। मैं आपका इशारा समझ गया गुरुदेव। आपके बताए हुए रास्ते पर सावधानी पूर्वक चलते चलते आपके पद चिन्हों का अनुसरण करके धर्म विद्यम प्राप्त करके दिखाऊंगा। शाबाश बेटा गोरख, तुम एक दिन महान योगी कहलाओगे। बेटा गोरख, अब हम नगरी की ओर भिक्षा के लिए जाते हैं, और तुम यहाँ पर अपनी सारी विद्याओं का
अध्ययन करो बेटा। जी गुरुजी, जरूर याद करूंगा। आओ रे आओ, गीली मिट्टी से गाड़ी बनाकर खेलते हैं। मुझे तो बनानी ही नहीं आती। चलो चलो उन साधु बाबा के पास चलते हैं, शायद वो हमारे लिए गाड़ी या गाड़ी वान बना दे। बाबा बाबा हमारा एक काम कर दो, हमसे हो नहीं रहा है, हमारे लिए गाड़ी वे गाड़ी वान बना दो। मुझे नहीं बनानी आती, तुम जाकर और कहीं खेलो। बना दो ना बाबा, हमसे नहीं बनती, हम किससे खेलेंगे। अच्छा तो लाओ गीली मिट्टी, तुम्हारे लिए तो बनानी ही पड़ेगी। अच्छा तो गाड़ी व गाड़ी वान बन जाने पर यहाँ से दूर जाकर खेलोगे ना। हाँ हाँ, हम दूर जाकर खेलेंगे। लो ये बन गई गाड़ी, और ये गाड़ी वान भी। ये इसके पैर, ये इसके हाथ, ये इसका सिर, ये इसका मुंह, बन गया गाड़ी वान। जय बाबा की जय। बाबा जय, बाबा की जय। बाबा की। अरे ये तो रोने लगा। भूत भूत भागो भागो। ये क्या कर रहे हो बेटा गोरखनाथ? ओम नमः शिवाय। गुरुदेव क्या बताऊं, कुछ बच्चे मिट्टी की गाड़ी व गाड़ीवान बनाने की जिद कर रहे थे, मना करने पर भी नहीं माने। मैंने उनके लिए गाड़ी व गाड़ीवान बनाया तो ना जाने कहां से अचानक उनमें प्राण डल गए और वे सचमुच रोने लगा, और बच्चे भूत भूत कहकर नगरी को दौड़ गए। बेटा गोरख, यह सब संजीवनी विद्या का प्रभाव है। बेटा गोरख, तुमने पाठ याद करते करते ये गाड़ीवान और गाड़ी बनाई होगी, इसलिए ये चमत्कार हो गया। मुझे क्या पता था ऐसा भी हो जाएगा। महाराज जी, ये चमत्कार जब आपका शिष्य कर सकता है, आप तो इससे बड़े भी चमत्कार कर सकते हो। साधु बाबा, ये हमारे साथ खेला करेगा, इसे हम घर ले जाएंगे। लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारी शांति भंग हो रही है। नहीं नहीं योगीराज, हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए, हमारी जिज्ञासा पूर्ण करके बताइए, ये बालक कैसे बन गया। सुनो सुनो, मेरा शिष्य गोरख संजीवनी विद्या का पाठ याद करते करते ये गाड़ी और गाड़ीवान बनाया, इसलिए चमत्कार हो गया। योगीराज, तब तो ये तुम्हारा शिष्य पहुंचा हुआ योगी है, जो छोटी सी उम्र में ही इतना चमत्कारी है। के हुए सभी हैरान, ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। हुई बिन माता संतान, देख के हुए सभी हैरान, ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। पुतले में जो आ गया जीवन ग्रामवासियों, ये है करामाती।
सर्व गुणों की खान, देखते हैं शंकर भगवान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। हुई बिन माता संतान, देखते हुए सभी हैरान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। करभंजन की रूह है इसमें, सुनो प्राणियों, ले रहे हैं सब रुचि जिसमें, सुनो प्राणियों। हम नाथों की पहचान, इसकी सोहनी मोहनी शान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। हुई बिन माता संतान, देख के हुए सभी हैरान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। विश्व विख्यात बातिए जाएंगे सब जान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। हुई बिन माता संतान, देख के हुए सभी हैरान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। है कमल सिंह भोले की माया, माया भोले की। बिन भक्ति कोई जान न पाया, माया भोले की। मिट्टी में जीव की जान, बनेगा ताकतवर बलवान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। सभी हैरान। ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है, ये गोरख लीला है। हे योगीराज, हमारे गांव में एक मधु नाम का ब्रह्मचारी रहता है, लेकिन भगवान ने उन्हें संतान सुख नहीं दिया। ओहो, उनकी पत्नी का नाम गंगा है। हम चाहते हैं बालक उन्हें दे दिया जाए। पंडित और पंडिताइन के दुख में मेरी सहानुभूति है। इस बालक को मिट्टी का बालक जानकर इसका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। हे गुरुदेव, हम तो संतान के लिए तरस रहे हैं। हम इसका पालन पोषण कैसे नहीं कर सकेंगे? हम हमारा तन मन धन सब कुछ लगा देंगे, परंतु इस बालक को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है गुरुदेव। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। इस बच्चे को मिट्टी का मामूली बालक मत समझना। ये करभंजन नाथ योगी का अवतार है, ये देवताओं का अंशी है। हमने इस बालक का नाम गैनीनाथ रखा है। हे महाराज, हम पर दया करें। हम सदा से ही सदाचारी रहे हैं, नेक कार्य करके, पूजा पाठ करके भगवान का भजन किया करते हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमारा ये सोना आंगन गैनीनाथ की किलकारियों से गूंज उठेगा। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन महाराज, लेकिन क्या? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूँ। हम ब्राह्मण जाति के हैं, बिना संतान के हमारा बुढ़ापा खराब है। हम इस बालक के आने से खुशहाल हो जाएंगे। मुझे मंजूर है, लेकिन
इस बालक को भगवान का अवतार समझ के पालना, इससे आपका कुल तर जाएगा और घर पवित्र हो जाएगा। ये बड़ा होकर के विश्वविख्यात योगी बनेगा। और सुनो, इस बालक के गुरु गुरु निवर्तिनाथ होंगे। हे महाराज, एक दुविधा है। हाँ बोलो बोलो, क्या दुविधा है? हे महाराज, इस बालक को मैं दूध कैसे पिलाऊंगी? बेटी मेरे पास आओ, मैं आप पर यह भस्म मंत्र द्वारा आपके ऊपर फेंकूंगा, जिससे आपके शरीर के अंदर और बदन में ममता जाग उठेगी और इसके बाद में आप इसे दूध पिला सकेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसे अपना दूध पिला सकती हो। नमो नमः। हे महाराज, अब आप बेफिक्र रहें, इस बालक का मैं ऐसा पालन पोषण करूंगी कि जो सगी माँ भी ना कर सके। चिंता तो मुझे प्रति भर नहीं है, अब ले जाओ बालक को। लेकिन हम 12 वर्ष बाद फिर आएंगे, इस बालक को उपदेश देकर जाएंगे। हम सभी ग्रामवासियों को बताना चाहते हैं कि साधु को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अब हम इस नगरी से प्रस्थान करेंगे। शिष्य गोरख, चलो आओ चलें।